नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपावली में। मैं हूँ आपकी होस्ट रचना और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक हॉट टॉपिक पे। सब जगह बहुत ट्रेंड चल रहा है हाउडी हाउडी। तो ये हाउडी हाउडी क्या है, चलिए इस बारे में बात करते हैं कि क्या है ये हाउडी हाउडी। दोस्तों वैसे तो ये हाउडी वर्ड अभी इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि अभी अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर को एक हाउडी मोदी इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसमें करीब 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी भारतीय शामिल होंगे और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकी भारतीय को संबोधित करेंगे। क्या इसका रीज़न ये मान लें कि टेक्सास में 2020 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सास में एक भारतीय कम्युनिटी का है, तो क्या उन कम्युनिटी के वोट के लिए ट्रंप इस मोदी इवेंट में शामिल होने वाले हैं, कह सकते हैं। पर हमारा मुद्दा आज का ये है कि ये हाउडी मोदी है क्या चीज़ और ये हाउडी वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हाउडी मोदी क्या है चीज़, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक इवेंट है जो कि टेक्सास में होने जा रहा है। ये हाउडी वर्ड कहाँ से आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हाउडी वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है हाउ डू यू डू। ये जो हाउडी वर्ड था ये 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में काफ़ी फेमस था। वहाँ पर वहाँ के लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए हाउडी वर्ड यूज़ करते थे। पर धीरे 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 वहाँ पे इस वर्ड का क्रेज़ ख़त्म हो गया। धीरे से 18वीं शताब्दी में इस वर्ड को US के काफ़ी सारे पार्ट में बोलने जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से भी इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। पर लेकिन 21वीं शताब्दी में आज भी वेस्टर्न अमेरिका में इस वर्ड को काफ़ी यूज़ किया जाता है और ख़ासकर टेक्सास में। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाउडी ऑफिशियल टेक्सास ग्रीटिंग के लिए यूज़ होता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्चुअली टेक्सास में रहता है और जो टेक्सास का मूल निवासी है वो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है दूसरों को ग्रीट करने के लिए। अगर हम एक थोड़ा कॉमिक वे में बात करें तो अगर आप हाउडी को देखो तो ये काफ़ी वुडी से रिजेंबल करता है। वुडी जो टॉय स्टोरी थी उसका एक कैरेक्टर है, तो अगर हम फनी वे में लें तो ये उससे भी रिजेंबल करता है। पर बेसिकली टेक्सास के लोग आज भी जो ट्रू टेक्सेसियन हैं वो आज भी एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए या पूछने के लिए हाउ डू यू डू वो हाउडी वर्ड ही यूज़ करते हैं। और अगर मैं हाउडी मोदी इवेंट की बात करूं तो ये हाउडी मोदी इवेंट जैसे मैंने आपको बताया था 22 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। ये बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है और ये अमेरिका में मोदी जी के जीतने के बाद पहला बड़ा इवेंट है। और ये इवेंट इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा लेने वाले हैं और वो भी वहाँ पर अमेरिकी भारतीयों को अपने भाषण से संबोधित करेंगे। अगर मैं इस इवेंट के टाइमिंग्स की बात करूं तो भारतीय समय के अनुसार ये इवेंट 8:30 पे स्टार्ट होगा 22 सितंबर को और 11:30 पे ख़त्म होगा। हम इस इवेंट को इतना बड़ा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसके दो रीज़न है। पहली चीज़ कि एक मंच पे दो बहुत बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों का साथ होना, भारत और अमेरिका का, और दूसरा इस इवेंट में बहुत सारे अमेरिकी संसद भी शामिल होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2020 में राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में आने वाले हैं। टेक्सास बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिटी है इसके लिए और टेक्सास पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको अपने एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं और वहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले इसके लिए वो शायद कह सकते हो आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और वहाँ जा करके वो भारतीयों को संबोधित भी करने वाले हैं। अब इस इवेंट के बारे में आपको बता दूं तो इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी भारतीय होंगे और आपको मैं बता दूं कि 3 हफ्ते के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 8,000 से भी ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी वेटिंग पे हैं। और इसके लिए दो तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक तो जनरल रजिस्ट्रेशन और दूसरा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब मैं अगर ओवरऑल मोदी जी के अमेरिका में इवेंट की बात करूं तो अमेरिका में पीएम मोदी का यह तीसरा मेगा शो है। सबसे पहले 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मेडिसन स्क्वायर में अपना पहला बड़ा कार्यक्रम किया था। उसके बाद 2016 में उन्होंने सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम किया था और अब 2019 में तीसरी बार ये एक बहुत बड़ा इवेंट संबोधित करने जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये इवेंट बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप के अलावा 60 से ज़्यादा अमेरिकी संसद भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में पहली बार हिंदू सांसद तुलसी गब्बर और भारतवंशी सांसद राजा कृष्णमूर्ति भी शामिल होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हाउडी हाउडी क्या है मैं आपको बताने में सक्षम रही हूँ। अगर हाँ तो कॉमेंट बॉक्स में मेरे लिए भी लिखिए हाउ डू यू डू मीन्स हाउडी। ओके बाय, थैंक यू।